अच्छा, कुछ लोगों की जुबान ना बहुत ज्यादा कड़वी होती है, वो किसी को कुछ भी कह देंगे और वो इस चीज को जस्टिफाई कैसे करते हैं कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप हमारी जुबान पे मत जाएं, हमारी नीयत बहुत अच्छी है, हमारा दिल बहुत अच्छा है, तो आप हमारी नीयत देखें। अगर आपकी जुबान की वजह से किसी का दिल दुख रहा है, किसी की दिल आजारी हो रही है, तो किसी को आपकी नीयत नहीं देखनी, सब आपकी जुबान ही देखेंगे और सबको आपकी जुबान ही देखनी चाहिए। और अच्छा, ऐसे लोगों का मोटिव क्या होता है ना कि वो अपने आप को फिर और जस्टिफाई कैसे करते हैं। हमारा तो मकसद होता है किसी में अच्छी तब्दीली पैदा करना, ये कोई गलत बात तो नहीं है। आप कौन होते हो किसी में तब्दीली पैदा करने वाले? आप किसी के माँ बाप हो? किसने आपको ये हक दिया कि आप किसी में तब्दीली पैदा करो? जब भी आप किसी से कोई रिश्ता बनाते हो, कोई दोस्ती, शादी या किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक, आपको पता होता है वो इंसान कैसा है। मैक्सिमम एक हफ्ता लगेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। उस टाइम आप उसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद आके अब आपको लगता है कि नहीं, अब तो मुझे इस इंसान को चेंज करना चाहिए। अगर आपको वो इंसान इनिशियली पसंद ही नहीं था, तो आप उसको प्रोसीड ऑन ही मत करो ना। कुछ लोगों के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि हर इंसान की पर्सनल स्पेस होती है और हर किसी की पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना चाहिए। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि हमारा दिल बहुत अच्छा है, हमारी नीयत बहुत अच्छी है, आप अपना दिल भी साइड पे रखो, आपकी नीयत में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी जुबान पे काम करो। तो आप कोई भी नहीं होते किसी को तब्दील करने वाले या अपनी जुबान के जरिए किसी का भी दिल दुखाने वाले।